बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। दो विक्ट्री स्पीच हुई हैं और उन दोनों के ऊपर मुझे बात करनी है। एक तो नवाज़ शरीफ ने की है, एक इमरान ख़ान साहब ने की है। दोनों पे बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा आलमी मीडिया की बात कर लें। आलमी मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, और आलमी मीडिया पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात को धांधली ज़दा इंतखाबात और मशकूक इंतखाबात करार दे रहा है। और जो यहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जिस तरीके से तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, उनको भी रिपोर्ट कर रहा है, और साथ ही इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। ये दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में मौजूद था। इंटरनेट की और मोबाइल फ़ोन की बंदिश को भी शकूक व शुबहात की नज़र से देखा जा रहा है, और ये सारी चीज़ें आलमी मीडिया में रिपोर्ट होने के बाद अब आलमी सतह पर रिएक्शन आना शुरू हो गया है। रिएक्शन किस लेवल का है, इसके ऊपर बाकायदा मेरे पास सारी स्टोरी मौजूद है, मुख्तलिफ अखबारात से हमने उठाई है और उसको फिर हमने ट्रांसलेट किया ताकि आपके सामने हम रखें कि अमेरिका क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, यूरोपीय यूनियन क्या कह रहा है, यूके ने इसके बारे में क्या मौक़िफ अपनाया है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ अभी इस पूरी स्टोरी के अंदर। सबसे पहले आप अमरीकी महकमे खारजा का जो स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं, अमेरिका इस बात का शदीद मुंतज़िर है कि मुकम्मल इंतखाबी नतायज जारी किए जाएँ, और वो इंतखाबी नतायज जैसे हों जो आवाम की मर्ज़ी की अक्कासी करते हों, यानी जिसको आवाम ने हुकूमत बनाने के लिए वोट डाले उसकी हुकूमत बननी चाहिए। इसका मतलब ये है, अमरीका ने यह भी कहा कि अमरीका किसी भी पाकिस्तानी सियासी जमात की जो हुकूमत बनने वाली है उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। यानी अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम की मर्ज़ी से किसकी हुकूमत बनती है। अमेरिका ताल्लुकात और जो मुश्तरक मफादात हैं उनके लिए किसी भी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने मज़ीद कहा कि जो कुछ भी बैन अल-अक़वामी मुबस्सरीन वहाँ पर गए, और जो कुछ भी वहाँ का लोकल मीडिया, मकामी मीडिया और मुबस्सरीन जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनसे अमरीका ने यह अख़ज़ किया है कि इन इंतखाबात में इजहार राय की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, और साथ ही साथ जो है वो लोगों को जलसे जुलूस करने की इजाज़त नहीं थी, पुरमन तौर पे लोगों को जमा होने की इजाज़त नहीं थी, और बहुत सारी गैर ज़रूरी पाबंदियां पाकिस्तान में लगाई गई हैं जो नहीं लगनी चाहिए थी। हम इंतखाबात में तशद्दुद की शदीद मुज़म्मत करते हैं, और इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्ज़ामात पर अमरीका बहुत फ़िक्रमंद है। मुदाखलत या धोखादही या धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। यह है जी स्टेटमेंट अमेरिका का। इसके अलावा जो यूके का स्टेटमेंट जारी हुआ है, वो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं और कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के डेविड कैमरून, ये साबिक वज़ीर आज़म भी हैं बरतानिया के, और इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ उसकी ट्रांसलेशन। इन्होंने कहा कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उनकी शफाफियत के हवाले से, और लोगों को इसमें हिस्सा लेने का मौका फराहम नहीं किया गया उस हवाले से, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी उस हवाले से, और इंतखाबात की शफाफियत पे हमें शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बरतानिया में ये जारी किया स्टेटमेंट, और साथ ही साथ ये भी कहा कि मालूमात तक रसाई नहीं दी जा रही, और कानून की हुक्मरानी समेत बुनियादी इंसानी हकूक़ को बरकरार भी नहीं रखा गया, ये रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जो वोट डाले जिन लोगों ने उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और बरतानिया ने भी इस बात पे जोर दिया कि फौरी तौर पे इंतखाबी नतायज जारी किए जाएं, और वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी में होने चाहिए, यानी वो इंतखाबी नतायज जैसे इंतखाबात हुए हैं। इसके अलावा एक स्टेटमेंट जो है वो यूरोपीय यूनियन ने भी जारी किया है। यूरोपीय यूनियन ने पहले तो तारीफ़ की पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ जो सियासी जमातें हैं या सियासी किरदार हैं उनको इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उनकी नाहलियों के मामलात हुए, और जो लोग जमा होते हैं या एहतजाज करते हैं या पुरमन तौर पे जलसा या जुलूस करते हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गईं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इजहार राय की आज़ादी को मुतासर किया गया, इंटरनेट तक रसाई की पाबंदी लगाई गई, यानी इंटरनेट ही बंद कर दिया पाकिस्तान में, और इंतखाबी अमल में शदीद मुदाखलत की गई, और ये जितने भी इल्ज़ामात हैं उसके अलावा सियासी जमातों और कारकुनों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं इन पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है यूरोपीय यूनियन ने। यूरोपीय यूनियन के हुकाम ने मुतालबा किया है कि इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट की जितनी भी रिपोर्ट की गई है इंतखाबी बेज़ाब्तगियां उनकी बरवक्त और मुकम्मल तहकीकात को पाकिस्तान यकीनी बनाए।
ये जी आपको अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोपीय यूनियन का रद्दे वाला आपके सामने आ गया है। पाकिस्तान में जो लोग मियां नवाज शरीफ के सपोर्टर थे वो भी ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने गलत काम कर दिया है और उन्हें हरगिज़ ये नहीं करना चाहिए था। जिस तरीके से धांधली के साथ मियां साहब इलेक्शन जीते हैं ये उन्हें जेब नहीं देता। मिसाल के तौर पर मोहम्मद ज़ुबैर PMLN से उनका ताल्लुक और गवर्नर रह चुके हैं सिंध के, PMLN की जानिब से भी हाल ही में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने KPK और पंजाब असम्बलियों की कौमी असम्बली की नशस्तों पर बरतरी हासिल कर ली है। यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में बरतरी हासिल कर ली है। अब मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं बचा। जो तलत हुसैन है वो भी कह रहे हैं बहुत आकवर्ड है, मियाँ नवाज शरीफ ने जो विक्ट्री स्पीच की है उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, उनकी बनती भी नहीं थी। अब नवाज शरीफ ने कहा क्या, ज़रा ये आप सुन लीजिए। ये बातें जो नवाज शरीफ ने की हैं ना इनको आपने याद रखना है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे वीलॉग इन्हीं बातों के ऊपर होंगे और ये सियासत इन बातों पे घूमेगी। मियाँ साहब ने कुछ इशारे दिए अपनी बातचीत में। एक तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी नेगेटिव थी, कल भी और आज भी। मियाँ नवाज शरीफ जाली खुश होने का दिखावा कर रहे थे या उनकी साहबजादी या बाकी लोग। एक्चुअली जो खुश था वो शहबाज शरीफ साहब खुश थे कुछ हद तक, और जो मियाँ साहब के आसपास लोग मौजूद थे दे वर नॉट हैप्पी। लग रहा था कि वो परेशान हैं, मियाँ साहब खुद भी कोई खुश नज़र नहीं आ रहे थे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की उसमें एक तो उन्होंने यह दावा कर दिया कि मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। जिस वक्त मियाँ साहब ये स्पीच कर रहे थे उस वक्त इंतखाबात को लगभग इंतखाबी अमल मुकम्मल हुए हुए, गिनती शुरू हुए कुछ 30 घंटे के करीब गुजर चुके थे, यानी 26-27 घंटे तो डेफिनेटली गुजर चुके थे जब मियाँ साहब ने यह तकरीर की। तो 26-27 घंटे के बाद जो मियाँ साहब की तकरीर आई उसमें भी मियाँ साहब उस वक्त तक 60 नशस्तों पर सिर्फ आगे थे, 60 नशस्तों पर। और वो क्लेम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे हैं। नंबर गेम अभी मैं आपको बताता हूँ कौन है सबसे बड़ी जमात। साथ ही साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें मैंडेट मिला है, दूसरी पार्टियाँ आएँ और मिलकर एक हुकूमत बनाते हैं, पाकिस्तान को इस भंवर से हम निकालेंगे। हम इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि बार बार इस मुल्क में इंतखाबात करवाएं। ये अब आप याद रखिएगा बात कि मियाँ साहब को इस बात का ख़दशा है कि पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात होंगे और जल्दी होंगे, क्योंकि जो सेटअप ये बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्ती वो चल नहीं सकता और ना दुनिया उसे तस्लीम करेगी, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान से बाहर। ये मियाँ साहब का जुमला उनके खौफ की अक्कासी कर रहा है कि बार बार इंतखाबात हम नहीं करवा सकते। मियाँ साहब कह रहे हैं कि इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। यानी अब वो जिनसे उनका वादा हुआ, वईद हुए, जिनके साथ मियाँ साहब के मरासिम हैं, मियाँ साहब उन्हें ये कह रहे हैं कि लंदन से भी जब मियाँ साहब आए तो बड़े ख्वाब उन्होंने देख लिए थे, वो पूरे नहीं हुए। अब वो नया ख्वाब देख रहे हैं कि 10 साल तो हमें दें कम से कम ताकि हम मुल्क के मसाइल ठीक करें। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता। उन्हें ये आइडिया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ कभी भी हार नहीं मानेगी। वो अपनी जिन सीटों पर उनको ज़बरदस्ती हराया गया वो इस फाइट पर फाइट बैक करेंगे, और वो लीगल फाइट भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे पुरअमन, और वो आवाज़ उठाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि जो सीटें उनसे छीनी गई हैं वो उन्हें वापस मिल जाएं। तो ऐसे में मियाँ साहब बहुत डिफेंसिव हुए, उन्होंने कहा जी मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, सब मिल जुड़ कर बैठ जाते हैं। साथ ही मियाँ साहब ने अपने मुमकिन इत्तेहादियों के नाम भी बता दिए। MQM मियाँ साहब की इत्तेहादी होगी, पीपल्स पार्टी मियाँ साहब की इत्तेहादी होगी, और जमीयत उलमा इस्लाम मियाँ साहब की इत्तेहादी होगी, और मियाँ साहब की अपनी जमात, ये 4 जमातें बड़े इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। बलूचिस्तान से भी कुछ लोगों को मियाँ साहब शामिल कर सकते हैं। अब ज़रा आप गौर कीजिए कि इन्होंने पिछले दिनों एक दूसरे के साथ किया क्या है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले मियाँ साहब की बात सुन लें। एक और क्लेम किया मियाँ साहब ने। नवाज शरीफ कहते हैं कि सियासत इबादत समझ कर करें और आवाम की मुश्किलात के हल के लिए काम करें। बात यह है कि आप चोरी का पैसा पहले इकट्ठा करें और उसको फिर आप सदका और खैरात में इस्तेमाल करें तो आपका सदका और खैरात जो है वो कबूल हो जाएगा। यानी आप चोरी करें, डकैती मारें, लूट मार करें और लोगों से पैसा छीन कर ले आएँ, उसको इकट्ठा कर लें, लोगों का हक मार के पैसा इकट्ठा कर लें और फिर उस पैसे से आप सदकात और खैरात करें तो आपको लगता है कि आपको सवाब मिल रहा है। तो मियाँ साहब आप चोरी करके हुकूमत बना रहे हैं, चोरी करके हुकूमत में आ रहे हैं, डकैती मारी है आपने अवाम के मैंडेट पे,
लोगों ने आपको वोट नहीं डाला, आप 20-25 सीटों से ऊपर कभी भी नहीं जा सकते थे जो आपके हालात थे। ऐसी सूरत हाल में जब दर्जनों सीटें आपने छीन कर ली हैं ज़बरदस्ती जोर लगा के सेलेक्टेड बन के, तो चोरी करके जो हुकूमत आप लेकर आ रहे हैं तो इबादत समझ के आप खिदमत कैसे करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे मियाँ साहब, क्योंकि आप बदनीयती के साथ आए हैं तो आपका काम भी वैसे ही रहेगा और ये आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा सबको। अब आ जाए जी, इमरान खान साहब ने विक्ट्री स्पीच किया, अच्छा नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की ना, इसको ऑकवर्ड करार दिया। तलत हुसैन ने भी, बाकी लोगों ने भी और सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि 60 सीटों के साथ कौन सी विक्ट्री स्पीच होती है, ये तो मियाँ साहब ने अपने साथ ज़्यादती की है और पाकिस्तानी सियासी तारीख के अंदर एक और गंद मार दिया है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। सिर्फ मियाँ साहब को इस बात का ज़ोम है कि उनको सीटें और दिलवा दी जाएंगी और उससे वो हुकूमत बना लेंगे। ऐसा लगता नहीं है कि मियाँ साहब हुकूमत बना के भी इंजॉय कर पाएंगे। अब आ रहे हैं इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान ने क्लियरली कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की 170 से ज़ायद नशस्तें जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। ये बात इमरान खान साहब ने उस वक्त कही जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 95 के करीब सीटें जीत चुकी थी, 95 जीत चुकी थी, लेकिन उन्होंने 170 से ज़ायद का क्लेम किया है। मियाँ नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल 60 के ऊपर ही कर दिया था, इमरान खान ने 170 से ज़ायद का क्लेम किया और वो फॉर्म 45 के मुताबिक है। इमरान खान साहब ने कहा कि अच्छा ये जो उनका खिताब है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से, यानी कंप्यूटर के अंदर वो वॉइस इमरान खान साहब की पहचान लेता है, फिर कोई और बोलता है तो वो उसी वॉइस के अंदर कंप्यूटर आगे से बोलता है। तो अल्फाज इमरान खान साहब के हैं, बोल कोई और रहा है और लहजा और आवाज़ कंप्यूटर इमरान खान की आवाज़ में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी की आवाज़ निकालने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करना, लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ था लेकिन इमरान खान साहब की लग रही थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने इस वीडियो में जो कहा, उनके अकाउंट से ये शेयर की गई, ट्विटर का उनका अकाउंट है, और उन्होंने कहा कि पीटीआई कौमी असम्बली की 170 से ज़ायद नशस्तें जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है। आपने यानी पूरी कौम ने हमें वोट देकर पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बुनियाद रखी है। मैं आप सबको 2024 के इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि आप सब वोट डालने के लिए बाहर आएंगे। बड़े पैमाने पर टर्न आउट ने सबको हैरान कर दिया और आपने मेरा मान रखा है। इमरान खान ने कहा कि आपके वोटों की वजह से लंदन प्लान नाकाम हो गया। लंदन प्लान ये था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो फुल फ्लैज हुकूमत बनाएंगे बिल्कुल इंडिपेंडेंट, तो वो तो नहीं हो सका। अब नवाज शरीफ साहब को बैसाखियों पर खड़ा होना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने कम अज़ कम 30 हलकों में पीछे होने के बावजूद फतह की तकरीर की है। पाकिस्तान में कोई भी इस तकरीर को कबूल नहीं करेगा, हत्ता कि आलमी मीडिया भी इसके खिलाफ लिख रहा है। इमरान खान ने कहा कि आज़ाद ज़राए से ये बात सामने आई है कि हम धांधली शुरू होने से पहले 150 हलकों में जीत रहे थे, जबकि फार्म 45 के मुताबिक तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की कुल 265 से 170 नशस्तें जीत चुके हैं। अच्छा ये 179 का फिगर मैंने आपको बताया था, तो ये 70 से 80 के बीच का ही फिगर बनता है ऑलमोस्ट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत में वाज़े बढ़तरी हासिल कर ली है, ये इमरान खान साहब का दावा है। अभी उन्होंने हुकूमत बनाने का ऐलान नहीं किया, ये विक्ट्री स्पीच थी और वेल डिज़र्व विक्ट्री स्पीच थी इमरान खान साहब की। उसकी वजह क्या है? कोई सहूलत उन्हें मैसर नहीं है, खुद वो जेल के अंदर बंद हैं, पार्टी के अहम रहनुमा जेल के अंदर बंद हैं, 18,000 कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, पार्टी से आम तरीन लोग या तो गिरफ़्तार हैं या उनको भगा दिया गया है या उनको पार्टी से छुड़वा दिया गया है, बहुत सारे लोग रूपोश हैं, एक भी जलसा नहीं कर पाए, एक भी जुलूस नहीं कर पाए, रैलियां नहीं निकाल पाए, बैनर नहीं लगा पाए, पोस्टर नहीं लगा पाए, कंपेन नहीं कर पाए, लोगों के दरवाज़ों पे नहीं जा पाए, किसी जगह पे कोई मूवमेंट नहीं कर पाए। इसके अलावा हत्ता के जो इलेक्शन वाले दिन कैंप्स लगते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अपने कैंप्स तक नहीं लगा पाए। इस सारी सूरत हाल के बाद छापों का सामना कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात हो रहे हैं, इंतखाबी निशान भी छीन लिया है, अदालती फैसले लगातार खिलाफ आ रहे हैं, 31 साल की मजमूई तौर पे सज़ा हो गई है। इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर एक आदमी पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत ले जाता है फॉर्म 45 के मुताबिक, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब है कि वो विक्ट्री स्पीच कर सकता है, और अगर किसी की बनती थी आज तो वो इमरान खान की बनती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एक दो राय पर खड़ी है कि इस मामले को आगे कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले तो तमाम उम्मीदवार जिनको पता चला है कि उनके साथ धांधली हो गई है, उन सबको तमाम कानूनी रास्ते लेने पड़ेंगे, यानी जहाँ जहाँ पे शिकायत करनी होती है हर शिकायत करनी पड़ेगी, हर फोरम पे जाना पड़ेगा, ताकि किसी जगह पे ये ना कहा जाए कि आपने शिकायत क्यों नहीं की थी।
या आपने कानून से रुजू क्यों नहीं किया था, या आपने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त क्यों नहीं दी, या आप अदालत में क्यों नहीं गए, वो जितने भी प्रोसेस है वो करने होंगे। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ फिर क्या करेगी, इसमें मुख्तलिफ राय सामने आ रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों की जानिब से। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो इनकी मीटिंग्स हो रही हैं इंटरनल में, उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने यह तजवीज़ दी है कि सबको कहा जाए कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च करें, सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएँ और इंसाफ मांगें और इसके ऊपर एक कमीशन बनवाएं, वाइट पेपर जारी करें और इन सारे हलकों को खुलवाएं फौरी तौर पे, और यहाँ पे एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और ये हलके वापस लिए जाएं पीएमएलएन से। एक तो ये है, और दूसरी तजवीज़ ये है कि इसके अंदर हमें टाइम फ्रेम भी देना चाहिए कि इतने दिनों के अंदर आप ये कर दें। आलमी मीडिया को भी इस सारी सूरत हाल पर बताना चाहिए, जो आलमी मुबस्सरीन मौजूद हैं उनको भी बताना चाहिए, हर फोरम के ऊपर इस धांधली को बेनकाब करना चाहिए। ये अब पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ तजावीज़ आ रही हैं, एक दो दिन में ये इनको एक आधे दिन में फाइनल कर लेंगे इन चीज़ों को, लेकिन असल जो मामला है वो इमरान खान साहब तय करेंगे जब पार्टी के रहनुमा इमरान खान साहब से बिलमुशाफा मिलकर उनके साथ सारी सिचुएशन शेयर करेंगे, तो तब जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब की तरफ से निकलेगी या इमरान खान साहब जो कहेंगे जेल में बैठ के, वही होगा और वही आगे बढ़ाएगा इस मामले को, इलेक्शन वाले को। लेकिन आप देखें कि एक आदमी जिसको रेड लाइन जिस पे लगाई गई थी, जिसके ऊपर क्रॉस लगाया गया था, जिसको माइनस किया गया था, आज सारे वो जेल में पड़े हुए आदमी की तरफ देख रहे हैं और सारे ये सोच रहे हैं कि वो अब क्या करेगा और वो अब क्या कहेगा। कितना ज़्यादा रेलिवेंट हो गया वो आदमी, यानी माइनस करते करते उसको कई गुना प्लस कर दिया गया। ये है पाकिस्तान और ये है पाकिस्तान की आवाम, जिन्होंने अपनी वोट की ताकत से बड़े बड़े मनसूबे खाक में मिला दिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।